कुछ महीने पहले खबर आई थी कि रोहित शेट्टी और फराह खान मिलकर एक फिल्म बनाने वाले हैं। बाद में पता चला कि यह फिल्म अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी स्टारर क्लासिक फिल्म सत्ते पे सत्ता का रीमेक होगी। उस वक्त कहा जा रहा था कि बिग बी के रोल के लिए शाहरुख खान और हेमा मालिनी के रोल के लिए कैटरीना कैफ को साइन किया गया है, लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक इन दोनों किरदारों के लिए ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को साइन किया गया है। बता दें कि दीपिका और ऋतिक कई बार एक दूसरे के साथ काम करने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन कभी साथ काम करने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन अब दोनों एक ही फिल्म में साथ काम करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ते पे सत्ता के रिमेक में अमिताभ बच्चन वाले रोल के लिए ऋतिक और हेमा मालिनी वाले रोल के लिए दीपिका को साइन किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार फराह और रोहित को लगता है कि इन किरदारों के लिए ऋतिक और दीपिका एकदम परफेक्ट हैं और वो इनमें फिट भी बैठेंगे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब फराह खान ने फिल्म की कहानी दीपिका को सुनाई तो उन्हें काफी पसंद आई और वह तुरंत हामी भर दी। बता दें कि सत्ते पे सत्ते का रिमेक जहां फराह के साथ दीपिका की तीसरी फिल्म होगी, वहीं रोहित शेट्टी के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के बाद दूसरी फिल्म होगी। इस प्रोजेक्ट के अलावा दीपिका कबीर खान की फिल्म 83 में भी नजर आएंगी। यह पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की लाइफ पर बन रही एक बायोपिक है जिसमें कपिल का मुख्य किरदार दीपिका के पति और एक्टर रणवीर सिंह निभा रहे हैं। आपको कैसी लगेगी दीपिका और ऋतिक की जोड़ी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बॉलीवुड के लेटेस्ट गॉसिप्स के लिए।